एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को कहीं पर भी राइड पर लेके जाते हैं तो उसके इंजन को आप कितनी देर तक या कितने किलोमीटर तक कंटिन्यूसली राइड कर सकते हैं, और इसी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी टू व्हीलर के लिए सही इंजन ऑयल चाहिए जिससे इंजन की लाइफ अच्छी रहे और साथ ही इंजन रिलायबल रहे, तो आप सर्वो 40 इंजन ऑयल यूज करिए। यह ऑयल इंजन में फ्रिक्शनल लॉसेस को मिनिमाइज करता है जिस वजह से इंजन आपका बेटर माइलेज और साथ ही बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाता है, और साथ ही इंजन जो है वो काफी स्मूथ हो जाता है जिससे ओवरऑल राइड क्वालिटी एनहांस होती है। और क्योंकि इस इंजन ऑयल की लुब्रिकेटिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है तो ये इंजन के अंदर कोई अनयूजुअल वेयर एंड टेयर नहीं होने देता जिससे इंजन को एक लॉन्ग लाइफ मिलती है। तो अगर आप ये सर्वो 40 इंजन ऑयल अपनी टू व्हीलर के लिए लेना चाहते हैं तो बेस्ट डील का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं SR मोटर वर्ल्ड और फिर आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इंजन को आप कंटिन्यूअसली कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं, क्या उसकी कोई लिमिट है या नहीं, इन्हीं चीजों के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। अब 90% लोग इस बात का डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाते, और हो सकता है मैं भी डायरेक्ट आंसर ना दे पाऊं क्योंकि वो कंडीशन टू कंडीशन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। लेकिन बहुत से लोग इस बात का जो है सोल्यूशन पे सीधा पहुंच जाते हैं, लेकिन हम पहले बात करेंगे प्रॉब्लम की कि अगर आप इंजन को बहुत देर तक चलाते हैं तो इंजन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि एक बार जड़ हमारे हाथ में लग गई तो उसकी प्रॉब्लम्स को हम बाद में एड्रेस कर सकते हैं, और वो मैं एड्रेस करके आपको बताऊंगा, सोल्यूशंस बताऊंगा कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है और उसका क्या सोल्यूशन होगा। अब सबसे पहला कॉमन आंसर शायद आपको अजीब सा भी लगे ये सुनने में, क्योंकि हम इंजन की बात कर रहे हैं, कॉमन आंसर ये रहता है कि लोग पूछते हैं कितनी देर तक राइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज वो राइडर की कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करती है, वो चीज कि राइडर जो है वो कितने टाइम तक कंटिन्यूअसली राइड कर सकता है, कितनी हिम्मत है राइडर में कि कोई सी बाइक उनको दे दी जाए और वो कितनी देर तक कंटिन्यूअसली उसको राइड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इंजन की तरफ। देखिए, जब भी हम इंजन की तरफ आते हैं तो हम पहले बात करेंगे प्रॉब्लम की, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम अब यहां पे क्या हो सकती है कि इंजन को हम इतनी देर तक चलाएंगे तो क्या प्रॉब्लम्स उसमें खड़ी हो सकती हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि इंजन की कंडीशन अच्छी है, इंजन बिल्कुल नई बाइक आपने ली है, फर्स्ट ओनर बाइक है, आपके हाथ में चली हुई है, आपको भरोसा है पूरी बाइक पे कि जहां कोई भी कोई प्रॉब्लम थी वो आप एड्रेस करवा चुके हैं, कर चुके हैं सर्विस सेंटर पर, सब कुछ सर्विस्ड है मोटरसाइकिल और मेंटेन्ड है, क्योंकि मेंटेन्ड गाड़ी को ही लॉन्ग राइड पर लोग लेके जाते हैं। नॉर्मल जो खराब गाड़ी है उसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है, उसको कोई भी लॉन्ग राइड पर ले जाना प्रेफर नहीं करता है। अब जब हम इंजन को कंटिन्यूसली चलाते हैं तो क्या होता है कि इंजन हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, और जब हीट इंजन प्रोड्यूस करता है तो जो इंजन के अंदर ऑयल जो है वो प्रोटेक्टिव फिल्म बना के रखा है जो वेयर एंड टेयर को रोक रहा है, वो ऑयल जो है उसकी विस्कोसिटी कम होने लगती है। विस्कोसिटी कम होने का मतलब ये कि ऑयल जो है वो थिनर साइड पर जाने लगता है, पतला होने लगता है। हीट होने के बाद ऑयल पतला होता है, ये बात तो ये प्रॉपर्टी तो ऑयल की सबको पता होगी, हीट होने के बाद ऑयल की विस्कोसिटी कम हो जाती है, और जब विस्कोसिटी कम होती है तो पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच में जो एक प्रोटेक्टिव फिल्म बननी चाहिए ऑयल की, वो फिल्म जो है वो कहीं कहीं पर ब्रेक होने लगती है, क्योंकि ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है और फिल्म जो है वो सही से बन नहीं पाती है। इस वजह से क्या चांसेस रहते हैं कि पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच में फ्रिक्शन आने लगता है और लुब्रिकेटिंग उसको सही तरीके से नहीं मिल पाती, और इस वजह से क्या होता है, या तो इंजन बहुत ज्यादा ओवरहीट होने लगता है, और अगर आपने ओवरहीटेड इंजन को बहुत ज्यादा चलाया तो उसमें कोई नॉइजेस आने लगती हैं, क्रैंक बेयरिंग जा सकते हैं, या फिर इंजन पूरा सीज हो सकता है जिस वजह से इंजन रीबिल्ड की जरूरत पड़ सकती है। तो अब ये हुई प्रॉब्लम की बात, हमने आपको बता दी ये मेन प्रॉब्लम है। इसके अलावा, क्योंकि हम इंजन की बात कर रहे हैं तो इसके अलावा इंजन के अंदर तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मैं मान के चल रहा था कि आपका इंजन फुली मेंटेन्ड है, अच्छी कंडीशन में है, पहले हाथ में आपके ही चलाए, ज़्यादा किसी के हाथ नहीं लगी है गाड़ी, तो आपको पता है कि गाड़ी जो है वो भरोसेमंद है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, टायर प्रेशर बहुत कम है तो इंजन पर स्ट्रेस पड़ रहा है, ब्रेक्स जो है वो बहुत टाइट हैं तो इंजन को जो है व्हील घुमाने के लिए बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है, अब फ्यूल कम है या फ्यूल सप्लाई में कोई इशू है तो उस वजह से इंजन जो है वो हीट कर रहा है, कार्बोरेटर ट्यूनिंग सही नहीं है तो इंजन में लीन मिक्सचर जा रहा है उस वजह से ज्यादा हीट कर रहा है जितना उसको नहीं करना चाहिए, तो बहुत से फैक्टर्स ऐसे डिपेंड करते हैं। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि फुली मेंटेन्ड है, सिर्फ इंजन के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैंने आपको बता दी। अब सबसे पहली चीज लोग ये सोचेंगे कि हम नई बाइक को ले जा सकते हैं, तो नई बाइक के लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि आप नई बाइक को लॉन्ग राइड पर ले जा सकते हैं या नहीं, उसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल में कुछ 5-6 वीडियोस पहले ही इस वीडियो के आपको मिल जाएगी वो वीडियो, तो आप वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब नई बाइक जो है वो नॉर्मली भी ओवरहीट होती है, तो उसकी ओवरहीटिंग को आपको लेके टेंशन नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड सर्विस के बाद वो ओवरहीटिंग इशू सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आप लॉन्ग राइड पर लेके जा रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आपकी व्हीकल के रोडोमीटर पे 3000-4000 किलोमीटर हो चुके हैं, फर्स्ट ऑयल चेंज उसका हो चुका है, सेकंड ऑयल चेंज शायद हो चुका है या नहीं हुआ, तो 3000 किलोमीटर के बाद आप लॉन्ग राइड पर ले जा सकते हैं। और लॉन्ग राइड पर अब जब आप लेके जा रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो सोल्यूशन है
वो ये है कि जो आपकी यूजर मैनुअल में कंपनी रिकमेंडेड ग्रेड है ऑयल का, वही आप ग्रेड यूज करें। दूसरी चीज ये है कि जो कंपनी के ऑयल्स रहते हैं ऑथराइज सर्विस सेंटर के जो ऑयल्स रहते हैं, जो सर्विस सेंटर वाले ही अपनी गाड़ी में, जैसे होंडा की गाड़ी है तो होंडा का ऑयल डलेगा, TVS की गाड़ी है तो TVS कंपनी का ऑयल डलेगा, तो वो ऑयल आप ना डलवाएं। ये मेरा ऑथराइज सर्विस सेंटर के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, बहुत बार एक्सपीरियंस करा है, वो आप ना डलवाएं। आफ्टर मार्केट ऑयल डलवाएं, वो ऑयल आप डलवाएंगे तो इंजन में बेटर प्रोटेक्शन बना रहेगा, लेकिन ग्रेड जो है वो आपकी यूजर मैनुअल का रिकमेंडेड होना चाहिए। ग्रेड सही होगा तो ऑयल आप किसी भी कंपनी का डलवाएंगे बेहतर रहेगा। अब ये तो मैंने आपको बता दी प्रॉब्लम और उसका सलूशन, लेकिन अब एक प्रिकॉशनरी लेवल पे कि अगर हम कहीं लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं फिर भी कंटिन्यूसली अगर आपको चलाना है, देखिए कंटिन्यूसली हर आदमी नहीं चलाता है, और अगर चलाते भी हैं तो आप बीच में एक 200-300 किलोमीटर में एक 5 या 10 मिनट का भी इंजन को अगर आप ब्रेक दे देंगे तो वो एक प्रिकॉशन के तौर पे हम मान सकते हैं। खैर मैंने जो है अपनी व्हीकल टॉप स्पीड पर 1.5 घंटे तक चलाई थी, डेढ़ घंटे तक टॉप स्पीड पर मैंने चलाई थी। जनरल चेकअप में पूरी व्हीकल ओके होनी चाहिए हर जगह से, और क्योंकि मैं खुद ही सर्विस करता हूँ अपनी व्हीकल की तो मुझे बेहतर पता रहता है कि अंदर कौन सी चीज़ कहाँ बिल्कुल फिट कैसे है और सही तरीके से फिट है या नहीं, तो जनरल चेकअप मैं करके निकालता हूँ। तो आपसे भी यही रिकमेंडेशन है, सजेशन है कि अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं तो जनरल चेकअप अपनी मोटरसाइकिल का जरूर करके जाएं। तो आई होप सो मैंने आपके इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे दिया होगा और थोड़ा सा आपको डायरेक्ट साइड पर ही आंसर लगा होगा, और आई होप सो आपकी इससे हेल्प जरूर होगी। अगर हेल्प हो जाए आपकी इससे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम हैंडल पर पूछ सकते हैं या नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस थैंक्स वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो।